नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। हेलो गाइस, मैं खुशरा आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आज हमारे सामने एक ट्रैफिक पुलिस को लेकर बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक कार ड्राइवर बोनट पे बिठा के जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले को 1.5 किलोमीटर तक घुमाता रहा, और जो ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ एक और आदमी था वो लगातार वीडियो बनाता रहा। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ये वीडियो छाई हुई है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से आ रहा है, पुलिस का क्या कहना है इसके ऊपर। आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक पुलिस काफी सारे एक्चुअली जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हैं उनको पकड़ते हैं, और उस दौरान उनका सामना काफी सारे ऐसे लोगों से हो जाता है जबकि उनके ऊपर विपता छा जाती है। आज हमारे सामने ऐसा ही एक मामला आया है सोशल मीडिया पे, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये वीडियो पिछले साल नवंबर की है, और उस दौरान ही दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे और उस दौरान एक चालक को रोका था, एक गाड़ी वाले को रोका था जो कि फोर व्हीलर था। उस दौरान जब गाड़ी से उतरने के लिए बोला, उस इंस्पेक्टर ने जिनका नाम है सुनील, उस बंदे ने गाड़ी को रोका नहीं, पीछे जाने के लिए उसने स्टार्ट किया, और तभी उसी दौरान ही बॉनेट पे उसने उस गाड़ी के ऊपर जंप किया, जिस दौरान ही उस गाड़ी चालक ने गाड़ी तेज से घुमाई, और उस दौरान ही 1 से 1.5 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाता रहा, और बीच में ही उसने गाड़ी रोकने के लिए बोला। जब गाड़ी रोकी तब वहां पर चालक ने बोला कि तुम गाड़ी से उतर जाओ, और जब वो पुलिस वाले गाड़ी से उतरा तब वो गाड़ी भगा के ले गया। अभी जब पुलिस वालों से बात की तब उन्होंने ये चीज बोला है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। आई होप गाइस आपको जानकारी हमारी तरफ से अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।